गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू फन ट्यूबिंग विद अनीता। ओह माय गॉड, इट्स फ्राइडे मॉर्निंग और हम लोग हो गए हैं फिर से सेट अपनी एक और नई शॉर्ट ट्रिप में जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं चोपटा उत्तराखंड। मतलब यार, मुझे लगा था कि इतना 15 दिन घूम के आने के बाद मेरा तो कुछ महीनों तक के लिए मन ही नहीं करने वाला है घूमने का। और जैसे ही प्लान बना कि जाना है तो आई वॉज लाइक ऑल ओके, बस चलो लेट्स गो। और ये आ गई है जी गाड़ी। अरे मुझे भी ले लो, मुझे भी। सो वही करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो भाई, हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं। आधा घंटे का डिले हो गया हम लोगों को क्योंकि हम लोग कुछ भूल गए थे, तो वापस से मतलब नीचे पार्किंग से ही हम लोग वापस गए। कुछ सामान लेना था इम्पोर्टेंट गाड़ी का। हम लोग बेसिकली निकलेंगे यहाँ से सीधा हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर होते हुए चोपटा जाएंगे और वहीं पे करेंगे स्टे। ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाईवे तो इतने खूबसूरत है लेकिन सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा स्मॉग है, आंखें भी जल रही है। और अभी ये हालात है हमारे मेरठ बाईपास रोड के और टाइम हो रहा है 10:10 और ये हालात है। अरे बाप रे बाप यार, ये तो घूमच है, सांस ही नहीं आ रही है ना। नहीं, मेरी तो अब आंखें जल रही है बहुत ज्यादा। आ गए हम, ये हरिद्वार में आ गए हम लोग फाइनली। जा सागर, फटाफट अपने पाप धो के आ। मेरे तो कहने कि भगवान के आपके बेटा आप धुले हुए, आपके पुण्य ना मिले। यार कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतना दिमाग खराब हुआ है पूरे रास्ते में, मेरा तो सर ही घूम गया पूरा। अभी हम लोग हरिद्वार जस्ट पहुंची है और हम लोगों ने अपने खाने का लगा लिया स्टॉल पीस सड़क में क्योंकि सबको चक्कर आ रहे थे और इतनी भूख लग रही थी और सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। सो देखिए भाई, ये हमारा हो रहा है इडली, हमारा फेवरेट रास्ते का स्नैक। ये देखो सड़क पे बैठे कैसे है, लव इट। मेरी यहाँ पे नीचे गिरे ना तो पीछे कुछ आते ही लगेगा। रघु प्लीज, अब गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना। अरे टेम्पो हटो, इतना बेहतरीन व्यू दिख रहा है मुझे सामने से। नीचे क्या है अपनी, गंगा जी है? हाँ, नीचे गंगा जी है। ओके, आ गए हमारे महादेव जी। बुलेट गिरने लगी। ये लो जी हमारे पहाड़ों का पहला लुक। अरे पहला लुक बोलते ये क्या आ गया। क्या बोलते हैं, असुविधा के लिए खेद है। और ये असुविधा थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि अभी जंगल वाला रास्ता आ गया है। रास्ता सही बनाया ये वाला कि नहीं? ये लो, ये देखो, ये तुम्हारी राफ्टिंग, लोगों की राफ्टिंग की तैयारियां हो गई है जी। यहाँ पे देखो बिल्कुल राफ्टिंग ऊपर जा रही है। हाँ, एकदम लग रहा है जैसे आइलैंड वाली फीलिंग है। ये देखो भाई, वाओ, नीचे बह रही है गंगा जी हमारी और पानी एकदम शुद्ध निर्मल और लोग यहाँ पे कुछ रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं। ये व्यू है एकदम जबरदस्त है, मजा आ गया। थोड़ा सा अगर माहौल शाम वाला होता ना, 3-4 बजे वाला, ये धूप सन जो चमक रहा है इतना ना होता तो और भी एकदम माहौल ही होता। ये देखो भाई, इन भाई साहब की होगी थोड़ी सी ज्यादा, ये यहाँ सड़क किनारे गंगा किनारे पहाड़ियों में मजे लेते हुए वादियों के अपने उतार रहे हैं। यार रास्ता तो एकदम बड़ा मजेदार आ गया है लेकिन ये मुझे ट्रैफिक का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रैफिक तो होगा ही ना, लोग आपकी तरह लोग भी तो निकले ना घर से घूमने। यार ये कोई बात थोड़ी ना होती यार। ऐसे यहाँ पे ही है बंजी जंपिंग बोर्ड लगा हुआ है, नीचे जा रहे और खाली रस्सी ऊपर। देखो ना यार, क्या इंटरनेशनल व्यू लग रहा है। नहीं थोड़ा सा मौसम होता, बरसात हो रही थी हल्की हल्की, या थोड़ा शाम वाला मौसम होता, यही व्यू और कितना प्यारा लगता है।
ये क्या है? नहीं, it's not squirrel. It is something else. यार seriously, मतलब फील आ रहा है यहाँ पे बहुत घुमावदार रास्ते हैं, सर घूम रहा है मेरा तो. सागर सोने आए हैं, घूमने आए हैं. घूमते ना, घूम ही रहे हैं सबके सर. भाई ये एक हमारा विकेट डाउन हो चुका है. अभी को हो गई है उल्टी. ऐसा लग रहा है गाड़ी अपने आप चल रही है, मैं चला भी नहीं रहा हूँ. ये उस टाइम तुमने गाड़ी आराम से चलाई होती ना, तो आज ये धीरे करने की नौबत नहीं आई होती. सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं. मैं देखो, मैं तारीफ भी करती हूँ हमेशा तुम्हारी हर चीज ड्राइविंग की, लेकिन जो तुमने आज करा है ना, वो बिल्कुल इतिहास में रिकॉर्ड ही हो गया. कैसे कटिंग है ये? है भाई अलकनंदा नदी, और भी कुछ कुछ होगी, आई डोंट नो. एक ही नदी है ये देखो. अच्छा मतलब तीन चार बार खा चुके ना दो दो करके. चल ठीक है. सागर तू फेक है कैमरे के लिए, रियल नहीं है तू. क्या रियल आदमी होते हैं आज की दुनिया में भी? मिलना चाहते हो? तो भी मैंने बोला मिलना चाहते हो. यार व्यू देखो, यार व्यू देखो भाई साहब. व्यू में व्यू, श्रीनगर का व्यू, अलकनंदा नदी विद ये खूबसूरत पहाड़ियां. यार मजा ही आ गया. यहाँ तो 5-10 मिनट रुकना एकदम बनता ही है, और कुछ रील्स वील्स बनाते हैं हमारे साथ, कुछ रील्स बनाते हैं. ऐसे जंपिंग वाला एक्शन करके दिखाओ. कल बड़े जोर की या ये देखो, ये अपने राम जी हैं. जय श्री राम, जय श्री राम. अरे हर जगह पे आप अयोध्या गए थे? अयोध्या सागर, हम अयोध्या गए थे. हाँ गए. राम लल्ला के ऐसे दर्शन किए थे हमने, पूछो मत. वो अवशेष दिखाते हैं. ऐसा लग रहा था कि राम लल्ला जी सिर्फ हमें दर्शन देने के लिए बैठे हैं. बहुत अच्छे दर्शन हुए थे. चित्रकूट वाला वीडियो भेज. इतने अच्छे दर्शन पहले मोदी जी को हुए, फिर हमें हुए. मैं क्या करूँ यहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ तो तुम और पगला जाओगे. नहीं होना पागल, तुम पागल होना चाहते हो? देखो. अरे यार बीच देखो आप. ये तो मतलब कोई हॉलीवुड ने इंटरनेशनल व्यू लग रहा है. नहीं वो ग्रीस वाला. हाँ मॉरिशियस. मतलब क्यों जाने लोगों को बाहर यार, श्रीनगर आओ. रियली धारी देवी टेम्पल. और ये देखो भाई, ये आ गया जी धारी देवी टेम्पल. कलियासुर में है कहीं पे ये, और श्रीनगर के रास्ते में ही रुद्रप्रयाग बाईपास रोड चलते चलते ही बीच में आ जाएगा. बहुत खूबसूरत मंदिर है. आई एम नॉट एबल टू कैप्चर इट. ये देखिए भाई, ये है मंदिर हमारा बीचों बीच अलकनंदा नदी के, और ये है कुछ इसका रास्ता ऐसे उतरने वाला. यहाँ पे भी पहले मंदिर जाने से पहले एक अघोरनाथ भैरव जी का मंदिर है. मंदिर में काफी शांति लग रही है, कुछ लोग दिखे मुझे अभी. व्यू देखो यार, पहले मैं थोड़ा स्टिल करके व्यू देखती हूँ इसका. देखो एकदम मेरे कल्पनाओं वाला लैंडस्केप लग रहा है मुझे, जो मैं कभी नहीं बना सकती. दिस इज अमेजिंग, अमेजिंगली ब्यूटिफुल. चलिए थोड़ा सा हमारा और रास्ता रहता है. अंधेरा भी अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो बस दर्शन करके हमको जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि हमें अभी भी 2.5 घंटे लगेंगे. पन्नी जी ये रिकॉर्ड कर सकते हैं मना है? कर सकते हैं कि नहीं मना है? मूर्ति का नहीं आना चाहिए फोटो. अच्छा मूर्ति का नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं भी कर लो. अच्छा ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी घंटियां बजी हुई है, लोगों ने चुनिया बांधी हुई है. ये अग्निकुंड है, ये शिव जी है, ये है कुछ परिक्रमा करने के पीछे का रास्ता, और ये यहाँ से परिक्रमा होती है. सो जी हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, सुकून था, पीस था. लेकिन वहाँ पे जो मेन मूर्ति थी माता जी की, उसका जो है फोटो लेना मना था, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया है. बाकी मंदिर जो है मैंने आपको दिखाई दिया है. अरे बीजी आराम से चलो यार, प्लीज काम. अरे यार इस लड़की में कितना एनर्जी है यार.
टायर्ड नाउ, आई थिंक वी शुड रेस्ट। भाई साहब ये देखो, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही करिश्माए कुदरत। ये अलकनंदा नदी है, ये पहाड़ है और ये इन पहाड़ों की है परछाई। और इसने पानी का जो शेड देखिए, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वाइट सब में कर दिया है। और ये जो ये ऐसे बना हुआ है ऐसे करके माउंटेन शेप में, ये इस पहाड़ की परछाई है या फिर शायद इस पहाड़ की जो मेरे पीछे है उनका उसका प्रतिबिंब है, शैडो है। वाओ यार, चलो बिंबसारा आगे चलो। चलो यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल ही चल चल। भाई हम लोग ट्रिप में जाए और लास्ट मोमेंट में पहुंचने के बाद पहले हमारी ऑफ रोडिंग ना हो तो फिर ट्रिप पूरी कैसे होती है हमारी। तो ये जी हमारे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ पे चल रहा है ये ब्रिज का काम शायद। तो ये देखिए, अच्छा है ब्रिज बन जाएगा तो और सहूलियत हो जाएगी। यार आई सीरियसली रेकमेंड, मेरी बातों की अभी कितनी इम्पोर्टेंस आई डोंट नो, बट आई सीरियसली रेकमेंड कि यहाँ से एक ड्राइव वे तो मतलब बनना ही चाहिए, स्टे करो चाहे ना करो। ब्यूटीफुल यार, नो डाउट तो। भाई ये देखिए मंदाकिनी नदी का नज़ारा, रिजॉर्ट पहुंचने से पहले एक घंटे पहले ही बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, इसी से मतलब मुझे देखने में मालूम चल रहा है, अब रिकॉर्डिंग में तो कितना रिकॉर्ड होगा आई डोंट नो। अब ये देखिए भाई आधा घंटे का रास्ता बचा है, एकदम सुनसान रोड, जंगल वाली फीलिंग और उसके बीच में है ये वाटरफॉल। आ हा 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 हा, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त वाटरफॉल है। इसके साथ मैं अपनी फोटो भी ले लेती हूँ, थोड़ा और पीछे। वाटरफॉल भले ही पतला है मतलब नैरो है लेकिन बहुत ही स्पीड में पानी गिर रहा है तो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब बड़ा जोरदार लग रहा है। और एक साइड है मेरे ये डैम। ये सब देखो भाई रास्ते, पहाड़ एकदम हमारे गाड़ी के आधा कवर करके एकदम ढका ही हुआ है गाड़ी को ऑलमोस्ट। इतनी नैरो रोड्स हैं बट लकीली यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी बनी है तो इतनी दिक्कत हो नहीं रही है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं मगर ठीक है, काफी बढ़िया है। और जी आखिरी ये क्या है, क्या सामने आखिरी दो मिनट का कहाँ तो सामने कहाँ था? अरे वो कुछ और था वो। यार क्या बात कर रहे हो, ब्लैक ब्लैक था मैंने देखा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, भैंस नहीं था वो, शेर तो नहीं था, शेर नहीं था, भालू भी नहीं था, अरे लेपर्ड हो सकता था। नहीं वाह, ये तो हमारा वो हो गया जंगल सफारी। जंगल सफारी तो ठीक है, वो निकल गया हाथ से। आखिरी एक मिनट 500 मीटर का रास्ता हमारा बचा है और हम पहुँच जाएंगे अपने ग्रीन हिल व्यूज कॉटेज सारी। जी हाँ जी, हम तो यही रुके हैं, आज पहली बार होगा कि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ रुके हैं, वरना जनरली हम लोग यही बोलते हैं। और ये भी फ्री है। जब आप इतना ट्रैवल करते हैं तो हमें हर चीज रीजनेबल बनाने के लिए ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो जी हम लोग 8 बजे के करीबन पहुंच गए थे होटल ग्रीन हिल वैल्यू रिजॉर्ट सारी में। सारी एक जगह है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती जो मेरी आंखें देख रही है अभी इस अंधेरे में भी जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। और जो इसका एग्जैक्ट व्यू है वो मैं दिखाऊंगी मॉर्निंग में क्योंकि अभी रात को तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बट मेरे पीछे ये लाइट्स दिख रही होंगी। ये पूरा पीछे माउंटेन एरिया है, नीचे थोड़ा सा खाई सा और ये कुछ एरिया बना है जहाँ पे अभी ये और डेवलप करेंगे अपना रिजॉर्ट। और हमने बना लिया है जी अपना डिनर, बॉनफायर भी बताते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारा गैस यहाँ पे बनाया क्योंकि बहुत हवा चल रही थी तो हमने इसको यहाँ बीच में रखा है। और ये है यहाँ के कॉटेजेस, बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन है। और खाना हमने बनाया है दाल चावल जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, ये है हमारे जीरा राइस और ये है हमारी येलो वाली दाल, एज यूजुअल हमारा फेवरेट, मिनटों में बन जाने वाला खाना। अब अंदर का व्यू दिखा दूं एक रिजॉर्ट का, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और हम लोग यहाँ के जो ओनर हैं दीपू राणा, दीपेंद्र राणा,
उनसे भी मिले थे और बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत ही इंगेज्ड करके रखा था उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आई मीन बहुत अच्छा लगा हमें। और ये देखिए ये है रूम, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन है। ये प्रियंका है, अपनी मम्मी से बात कर रही है। इन्होंने देखो यहाँ पे एक सिंगल बेड भी रखा है, डबल बेड भी रखा है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं पहाड़ों में, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा से फैंटेसाइज करके रखा हुआ है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। सो बस आज के लिए इतना ही, खाना करते हम लोग इंजॉय, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग जब इसकी वीडियो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रास्ते बहुत बहुत खूबसूरत थे। कल सुबह स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी तुंगनाथ के लिए, और भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे दीपू भाई ने हमको बताई है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे एक्सप्लोर और आपको कल देंगे पूरी पूरी डिटेल्स। अभी हमें करना है जल्दी पैक क्योंकि सुबह हमें टारगेट है कि हमें जल्दी जल्दी उठना है। मैं टाइम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है हम जरूर लेट होंगे। सो आज का करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।